अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायमा बीबी किचन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं दही चिकन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, दही चिकन कैसे बनता है देखते हैं। आप लोग भी इस तरह बनाएं, खाएं, खाने में वेरी वेरी टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम चिकन लिए, इसमें ऐड कर रहे हैं दही और अदरक लहसुन पेस्ट, और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 2 टीस्पून नमक, 1 गरम मसाला, 1 टीस्पून दो ऑनियन पेस्ट ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून राइस ऑयल ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके रखेंगे 8 या 10 घंटा, आप सारी रात भी रख सकते हैं। ढक के रख देंगे 8-10 घंटा। डेक्ची में ऑयल गरम कर लिए, आलू फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों आलू फ्राई हो गया है। अब हम प्लेट में उठा लेंगे, उसी ऑयल में ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 4 लौंग और 4 इलाच। 4 इलाच को अच्छी तरह तोड़ लेंगे, फिर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों इलाच को हमने तोड़ लिए, फिर ऐड किए, थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 ऑनियन चॉप करके। अच्छी तरह ऑनियन फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैरिनेट किया चिकन ऐड कर रहे हैं। हल्के हाथों से भून लेंगे, ज़्यादा जोर जोर से नहीं भूनेंगे, नहीं तो चिकन टूट जाएगा। हल्के हाथों से भून लेना है। ढक के रखे थे, देखिए कितना पानी छूटा है, इसी पानी में गल जाएगा। थोड़ा चला लेंगे हल्के हाथों से। ढक के पका लेंगे 20 मिनट लो फ्लेम पे। फ्राई किया आलू ऐड किए, थोड़ा चला लेंगे। ढक के पका लेंगे। दही चिकन आलू पक चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी इस तरह बनाएं, खाएं, खाने में वेरी वेरी टेस्टी। दोस्तों मेरा रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा।
बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों के पास। चल आएंगे नए एक रेसिपी के संग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।